हेलो स्टूडेंट, सो जितने भी लोग इस बार WBCET 2024 का एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं। ठीक है कि सर, क्या PYQs कर लूँ तो WBCET के एग्जाम में एक अच्छा रैंक आ जाएगा? तो देखो, WBCET का एग्जाम हो या फिर JEE मेंस का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम अगर आप टारगेट कर रहे हो, क्या उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना हेल्प करते हैं? तो मैं आपको इस बात का क्लियर आंसर देने के लिए सबसे पहले आपसे पूछूंगा कि आप अपने आप को टारगेट क्या कर रहे हो। क्या अगर आप स्पेशली WBCET की बात करो तो क्या आप 10,000 के अंदर रैंक टारगेट कर रहे हो, या 5,000 के अंदर रैंक टारगेट कर रहे हो, या फिर 1,000 के अंदर रैंक टारगेट कर रहे हो? ठीक है, इस बात पे टोटली डिपेंड करेगा कि क्या आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपका टारगेट कंप्लीट होगा या नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको समझाऊं तो एक बच्चा 10K के अंडर टारगेट कर रहा है रैंक इन WBCET, क्योंकि मैं अपन WBCET के ऊपर स्पेशली बात करेंगे। ठीक है, आप लिंक कर देना अदर एग्जाम्स में अगर आप दे रहे हो तो। ठीक, तो अगर आप 10K के अंडर रैंक टारगेट कर रहे हो तो आपको कॉन्सेप्ट तो सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखते हो ना, तो मैं बार बार अपने वीडियोज में बोलता हूं एक बात कि कॉन्सेप्ट जो होते हैं वही रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में। इस बार 2024 में 2023 या 2022 या उसके पिछले ईयर्स के क्वेश्चन ही रिपीट होंगे। हो जाए तो बहुत ही लकी हो आप, ठीक है, बहुत ही कम चांसेस होता है कि क्वेश्चन रिपीट होंगे, होंगे भी तो एक दो होंगे, पूरा क्वेश्चन पेपर रिपीट हो जाए ऐसा थोड़ी होगा। तो आपको स्ट्रांग रखना है कॉन्सेप्ट्स, और वो स्ट्रांग करने के लिए आप हमारे क्रैश कोर्स फॉलो कर सकते हो। चैनल पे चल रहा है मैथ्स का क्रैश कोर्स, चल रहा है WBCET के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चल रहा है, आप उसको फॉलो कर सकते हो, और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स तो आपको स्ट्रांग करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप केवल PYQs के भरोसे एग्जाम देते हो कि सर क्यों ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कर लूं प्रैक्टिस, तो उससे आपका अच्छा रैंक तो नहीं आ पाएगा। हाँ, लेकिन 10,000 के अंदर रैंक जरूर ला दोगे, ठीक है, या फिर 15,000 के अंदर रैंक जरूर ला दोगे, आपकी एक अच्छी रैंक आ जाएगी। कि अगर आपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग कर लिया और साथ में आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया, क्योंकि जब आपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग कर लिया, आपने नोट्स के क्वेश्चन कर लिए, तो हाँ कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप क्लिक जरूर कर लोगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आपको एक और फायदा हो गया कि आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में भी आइडिया लग जा रहा है कि कौन से लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है WBCET एग्जाम। ठीक है, लेकिन अगर आपको एक अच्छा रैंक लाना है, 5,000 के अंडर रैंक लाना है फॉर एग्जाम्पल, तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा। तो जो स्टूडेंट पूछ रहे हैं ना कि सर सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लूं काम चल जाएगा, हाँ अच्छा रैंक तो आ जाएगा, लेकिन 5,000 के अंडर रैंक थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको कम से कम एक चैप्टर के ना मिनिमम 50-100 क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे, 50 क्वेश्चन तो मिनिमम करना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम दी नोट्स। नोट्स के जितने भी क्वेश्चन है उसके अलावा आपको 50 क्वेश्चन कम से कम करना पड़ेगा। अब वो क्वेश्चन आप या तो आपके पास किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो उसका मटेरियल है उससे कर लो। देखो WBCET को लेकर ना स्पेशल कोई मटेरियल नहीं बनाया जाता, ठीक है, जो JEE मेंस का मटेरियल होता है आप वहीं करो, उसी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैक्सिमम। ठीक है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप हमारा एक्सेस ले सकते हो, हम लोग भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ 99 प्राइस है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर लेना, वहां गूगल फॉर्म मिल जाएगा, क्लास नोट्स मिल रहा है और साथ में आपको स्टडी मटेरियल भी मिल रहा है, सिर्फ 99 प्राइस रखा हम लोगों ने, बहुत ही चीप, इजिली आप अफोर्ड कर सकते हो। ठीक है, तो वहां से आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, तब जाके आपका 5,000 रैंक के अंडर आएगा। ठीक, लेकिन अब एक बच्चा पूछ रहा है सर मुझे तो 1,000 रैंक के अंडर स्कोर कर, 1,000 रैंक के अंडर लाना है। तो देखो, प्रैक्टिस भी करनी है, कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग करना है, PYQs भी करना है, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी, स्पीड, आपके क्वेश्चन करने की, आपकी ऑब्जर्व करने की स्पीड जो होगी ना वो डिपेंड करेगी कि क्या आप 1,000 रैंक के अंडर ला पा रहे हो कि नहीं। और एक एक चीज फिजिक्स का, जैसे एक म्यूजिशियन को गाना याद होता है ना पूरा, वैसे ही आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स एक सुर में याद होना चाहिए कि हाँ ये फॉर्मूला। अगर मान जो कभी भी मान जो ऐसे ही नॉर्मली चल रहे हैं अपन कहीं मार्केट में, ठीक है, और किसी ने मेरे को पूछ दिया सर ट्रिग्नोमेट्री का ये फॉर्मूला बताओ, अगर आप बता पा रहे हो, अगर आप कॉन्सेप्ट बता पा रहे हो, किसी भी पोजिशन में रह रहे हो, किसी भी मूड में रह रहे हो, तब आप 1,000 रैंक के अंडर के लिए प्रिपेयर हो। और प्रैक्टिस तो आपको करनी है, मिनिमम 100 क्वेश्चन एक चैप्टर के करने ही करने हैं, तब जाके आप 1,000 रैंक के अंदर ला पाओगे और जो आपका टारगेट है जादवपुर यूनिवर्सिटी उसमें आप जा पाओगे। ठीक है, तो मैंने आपको एक एक टर्म में आपको समझा दिया कि हाँ 1,000 रैंक के अंडर आपको सब चीज करना पड़ेगा, और अगर 5,000 के अंडर टारगेट कर रहे हो, मैक्सिमम स्टूडेंट वही टारगेट कर रहे होंगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग करना है, और मिनिमम सभी चैप्टर के 50 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस मटेरियल से जरूर प्रैक्टिस करना है, तभी आपका कुछ हो पाएगा, 5,000 के अंडर रैंक आ पाएगा। ओके, चले, थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो इस चैनल पे बने रहना, WBCET का अगर एग्जाम दे रहे हो तो चैनल बहुत हेल्पफुल है, प्लीज सब्सक्राइब कर देना, अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, उन तक भी वीडियो पहुंचना चाहिए, क्योंकि उनके पास भी बहुत कंफ्यूजन है कि सर आखिर में कैसे प्रिपरेशन करें, सिर्फ PYQ से होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो प्लीज शेयर करना ज्यादा ज्यादा, और पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना। ठीक है, चले मिलते हैं क्लास के अंदर, और थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ओके, थैंक यू।